सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नया व्यंजन पढ़ेंगे और वह व्यंजन कैसा दिखता है? वह व्यंजन ऐसा दिखता है। इस व्यंजन को हम व्यंजन ट कहते हैं। आइए इससे संबंधित एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक मेंढक था, उसका नाम था टर्रू और उसका एक मित्र था जिसका नाम था हरियल टिड्डा। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। ये दोनों एक साथ एक टापू पर रहते थे और वहाँ पर टमाटर और टिंडे की खेती करते थे। जब भी वह कहीं घूमने जाते थे तो वह टोपी और टीका लगाकर जाते थे। उसी टापू पर एक पेड़ पर एक टेढ़ा कौआ रहता था और उसने अपना घोंसला एक टहनी पर बनाया था। अब पता है बच्चों, ये जो कौआ था इसको टिड्डे और मेंढक की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने सोचा क्यों ना इनकी दोस्ती में टकराव कराया जाए। उसने मन में सोचा चलो मैं एक युक्ति लगाता हूँ। वह हरियाले टिड्डे के पास गया और उसने कहा अरे टिड्डे, तुम ही सारा काम करते हो, मेंढक तो कुछ भी नहीं करता। यह सुनते ही टिड्डे को बहुत गुस्सा आया और वह मेंढक से नाराज़ हो गया। टेढ़ा कौआ फिर टर्रू मेंढक के पास गया और उसने कहा कि अरे टर्रू, तुम ही सारा काम करते हो और वह टिड्डा कोई काम नहीं करता। इस तरह से टर्रू मेंढक भी हरियाले टिड्डे से नाराज़ हो गया। दोनों की दोस्ती टूट गई। तभी वहाँ एक टिड्डों की टोली आई और उन्होंने देखा कि हरियाली टिड्डा और टर्रू मेंढक दोनों उदास बैठे हैं। टोली ने जाकर पता लगाया और उन्हें ये पता चला कि इनका टकराव टेढ़े कौए ने कराया है। टोली ने टर्रू मेंढक को और हरियाली टिड्डों को जाके समझाया और कहा कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तभी वहाँ पर टप 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 बारिश होने लगी। हरियाली टिड्डा और टर्रू मेंढक ने आपस में एक दूसरे को गले लगाया और वह वापस से दोस्त बन गए। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें किसी के कहे में नहीं आना चाहिए और अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। आइए बच्चों, हम व्यंजन ट से आए हुए शब्दों का एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं। ट से टिड्डा, ट से टापू, ट से टमाटर, ट से टिंडे, ट से टोपी, ट से टीका, ट से टहनी, ट से टोली, ट से टपटप। आशा करती हूँ कि आप ट व्यंजन के और शब्दों का अभ्यास घर पर करेंगे और उनसे छोटे छोटे वाक्य भी बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।